जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, गुफाएं हैं, चट्टाने हैं, और उनके सामने है ये खूबसूरत मनोरम दृश्य। ये देखिए चट्टान कैसे खड़ी है, एक टांग पे लटक रही है, झूल रही है। 5000 साल पुराने बनाए हुए ये चित्र हैं, आदि मानवों का दिमाग था, उनकी कलाकारी थी। लो दोस्तों, तो हम लोग फिर से आ चुके हैं देवर कुठार। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम दिन के उजाले में भी इस बौद्ध स्तूप को, बौद्ध स्थल को देखेंगे, तो ये लीजिए हम लोग पहुँच आए हैं। और ये है वो जगह, वो सड़क जो मौर्य काल में बनी थी, लगभग 2300 साल पुरानी सड़क है ये, अभी भी वैसी की वैसी ही है। और यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए मौर्यकालीन पथ। मौर्यकालीन यानी ये हो सकता है राजा यानी सम्राट अशोक के पहले के भी हो, क्योंकि मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से शुरू होता है। और ये सड़क हमको सीधा उस विशाल बौद्ध स्तूप की तरफ ले जाएगी जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये बौद्ध स्थल बहुत ही विशाल है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये उससे सबसे पहले ये छोटे बौद्ध स्तूप हमारे सामने आएंगे। ऐसे लगभग 40 बौद्ध स्तूप हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मुनि, बड़े बड़े बौद्ध मुनि रहते थे, तपस्या करते थे, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही शांति मिलती है आकर। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जाएंगे उस बड़े बौद्ध स्तूप की तरफ जिसे कल हम लोगों ने रात के अंधेरे में देखा था, और उसके आगे भी जाएंगे, देखेंगे, जंगल में घूमेंगे। और हम आ गए हैं मुख्य बौद्ध स्तूप के सामने। ये है वो विशालकाय बौद्ध स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये पक्की ईंटों से बना बौद्ध स्तूप है, इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था, और ये ईंट इतने मजबूत थी जिनकी वजह से आज भी ये जिंदा है, बचा खुचा है। बचा खुचा ही है क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये उपेक्षित है। बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना ये बौद्ध स्तूप है, ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत घाटी है, ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, ये मनोरम नज़ारा है, ये मन को छू लेने वाला दृश्य है। ये गुफाएं हैं, चट्टाने हैं, और उनके सामने है ये खूबसूरत मनोरम दृश्य। और अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं कैसी दिखती है ये घाटी, ये देवर कुठार। ये जगह बहुत ही पुरानी है, यहाँ पर ऐसी गुफाएं हैं जिनमें आदिमानव रहते थे, और आदिमानव के बनाए हुए चित्र भी इन गुफाओं में हैं। और ये है यहाँ की सबसे ऊंची जगह, देवर कुठार की रंगीन घाटी। देवर कुठार मतलब देवताओं की कोठी, देवताओं का महल, या देवताओं की घाटी। और इनके बीच ये बौद्ध स्तूप जो बेहद ही अहम है, क्योंकि इसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ वगैरह हो सकती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आ गए। ये खूबसूरत पत्थर चट्टाने जो लगभग हवा में झूल रही हैं, क्योंकि इनका बेस बहुत ही कम है। ये आप देखिए, ये देखिए, आगे ऐसे बहुत सारी चट्टाने मिलेंगी। ये देखिए, ये खिसकती नहीं है, ऐसी अटकी हुई हैं हज़ारों सालों से। 5000 साल पुरानी ये घाटी है, ये जगह है, ये कोठार है। ये देखिए हवा में लटक रही चट्टाने एकदम। ये देखिए कितना कम बेस है, लेकिन हवा में झूल रही हैं, पता नहीं कौन सी शक्तियाँ हैं यहाँ पर। हम लोग घने जंगल में जा रहे हैं इस वक्त, हमें खोज है आदिमानवों के चित्र की जो उन्होंने अपनी गुफाओं में बनाई हैं। पहले उनकी गुफा मिलेगी,
उसके बाद हमें उनका चित्र मिलेगा। तो लेट्स सी, रास्ता तो बहुत ख़राब है, दुर्गम रास्ते हैं, कटीले, खतरनाक। ये देखिए ये चट्टाने, इनके नीचे लोग आदिमानव रहते भी थे, और ये बहुत ही बेमिसाल हैं, बहुत ही अजीब हैं, अद्भुत हैं। ये देखिए ये कैसे हवा में, देखिए आप कैसे टिकी हुई है। ये देखिए बेस इसका, देखिए कितना कम है, आराम से लोग यहाँ रह सकते हैं, लगता है जानवर यहाँ पे रहते हैं रात को। क्या खूबसूरती है, ये देखिए चट्टान कैसे खड़ी है, एक टांग पे लटक रही है, झूल रही है। चलो आगे आगे चलो। सब बौद्ध मुनियों की तपस्या का फल है ये, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं, उनकी आत्माएं यहाँ पर विद्यमान हैं। ये देखिए ये हवा में झूलना ही बोला जाएगा इसको, कितना छोटा बेस है, कितनी बड़ी चट्टान है। ये लुढ़क नहीं रही है, जबकि ये ऊपर बहुत भारी है, नीचे बहुत पतली है, बेस बहुत पतला है। अद्भुत शक्तियां हैं यहाँ पर। खुद ढूंढना होगा कि कौन सी गुफा में आदिमानव लोगों ने चित्र बनाए हैं, गुफाएं ऐसी कहीं होंगी, देख सकते हैं आप। एक और रहस्यमय चट्टान जो हवा में लगभग झूल रही है, हमें ऐसी किसी चट्टान में आदिमानवों के बनाए हुए चित्र मिलेंगे, ढूंढना होगा। बहुत बड़ा जंगल है, साथ भी कोई नहीं दे रहा है, हम लोग अकेले हैं, कोई गाइड नहीं है, लेकिन हम ढूंढ कर मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। रास्ता बना बाबा, नहीं नहीं है ये रास्ता पकड़ के जा रहे हैं हम लोग, जो दिख रहा है हमको, और कोई दिखाने वाला मिल नहीं रहा भाई। सो लेट्स फाइंड कहाँ पे है ये आदिमानव के चित्र बनाए होंगे भाई साहब लोग, जो बनाए होंगे कि हम लोग देख के मानेंगे, कितना अच्छा बनाए होंगे भगवान जाने। लेकिन पत्थरों बनाए भी तो जिंदा है, उनका चित्र बचा हुआ है, तो मतलब कमाल तो है भाई। बहुत बड़ा जंगल है, खोजना मुश्किल होगा। देखते हैं एक और चट्टान दिखी है, क्या खूबसूरत घाटी है, खूबसूरत जगह है। यही है वो चट्टान, वो गुफा जिसमें आदिमानवों के बनाए हुए चित्र हैं। भी पास चलेंगे, क्या खूबसूरत जगह है ये, लगता है किसी कलाकार आदिमानव का घर था ये। ये देखिए वाओ मैन, ये देखिए लाल रंग से बनाया गया है, ये पता नहीं कौन सा लाल रंग था, अभी तक छूटा नहीं है, साइंटिस्ट लोग पता करें भाई, कितना दिमाग था उन आदिमानवों के पास, आज तक मिटा नहीं उनका कलर ये। पाँच हजार साल पुराने बनाए हुए ये चित्र हैं, आदिमानवों का दिमाग था, उनकी कलाकारी थी। अद्भुत कलाकारी है, बेमिसाल, नायाब, अभी तक वैसा का वैसा है। 5000 साल से ये चित्र बने हुए हैं, टिके हुए हैं, अपना वजूद बनाए हुए हैं। इसी चित्र को देखने के लिए हम इतने खूंखार जंगल में भटकते हुए आए हैं, बहुत ख़तरा है, यहाँ से निकलते भी हैं,
ज़्यादा रिस्क लेना भी अच्छी बात नहीं है। क्या कलाकारी है, वाह, क्या कलर हैं, क्या रंग हैं। और ये तो लगता है किसी राजा का महल था। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ी गुफा है ये, सबसे खूबसूरत जगह भी है ये। लगता है आदि मानवों के मुखिया जी यहाँ रहते थे। अद्भुत, नायाब, खूबसूरत। चलते हैं, पास से देखते हैं इस महल को। इस बेइंतहा खूबसूरत जगह पर बना ये महल यकीनन किसी राजा का ही रहा होगा। अभी ये गुफा बंद है, कोई नहीं रहता। आदि मानवों के बाद यहाँ पर बौद्ध मुनि रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे। वाह, तो अब वापस चलते हैं दोस्त। क्या जगह है, क्या खूबसूरती है, बेइंतहा खूबसूरत, बेमिसाल। बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाते हैं आदमी यहाँ पर आकर। चलते हैं वापस। ये है अपने छोटे बौद्ध स्तूप, यानी कि हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।